अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता सिमिलरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स परिचय इंट्रोडक्शन। हम अपने आसपास अलग अलग तरह की छोटी बड़ी आकृतियां देखते हैं। इनमें से कुछ वृत्ताकार, कुछ घनाकार, कुछ त्रिभुजाकार जैसी होती हैं और कुछ को इसी तरह की आकृतियों में बांटकर देखा जा सकता है। आकृति एक देखिए। इस मकान के चित्र में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां देखी जा सकती हैं। इनमें कुछ आयताकार हैं तो कुछ त्रिभुजाकार। क्या आप इसमें कुछ और अन्य तरह की आकृतियां ढूंढ सकते हैं? कौन सी और आकृतियां हैं? साथियों से चर्चा करें। समान आकृतियां। ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि इनमें से कुछ आकृतियां आकार यानी साइज एवं आकृति यानी शेप दोनों में समान है, यानी सर्वांग सम है। अब आकृति दो देखें। दो एक में तीन त्रिभुज बने हैं। देखने में इन तीनों त्रिभुजों के कोण बराबर लगते हैं एवं भुजाएं एक खास अनुपात में बड़ी या छोटी दिखती हैं, इसलिए आकृति दो एक में बने तीनों त्रिभुज एक जैसे लगते हैं। किंतु आकृति दो दो में दोनों त्रिभुज के कोण अलग अलग हैं, अतः यह दोनों त्रिभुज देखने में ही भिन्न हैं। सामान्यतः एक जैसी दिखने वाली आकृतियों को हम समरूप कह देते हैं, परंतु गणित में समरूप होने की कुछ शर्तें होती हैं। क्या दो एक में बने तीनों त्रिभुज समरूप हैं? देखने में तो ये त्रिभुज समरूप दिख रहे हैं, पर यह कैसे निश्चित करें? आगे हम इनकी समरूपता पर चर्चा करेंगे। स्केलिंग। अक्सर हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं, किसी तस्वीर को बड़ा करके देखना है या किसी खेत, मकान, कारखाने अथवा मैदान का नक्शा कागज़ पर बनाना है, या फिर बने हुए नक्शे से वास्तविक दूरियां, आकार, आकृति, क्षेत्रफल आदि पता करना है। इस तरह की सभी आवश्यकताओं के लिए हम स्केलिंग का उपयोग करते हैं। स्केलिंग का अर्थ है आकार यानी साइज में बदलाव करना, यानी आकार को बड़ा या छोटा करना। किंतु बड़ा छोटा करने में भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे नया चित्र पहले वाले जैसा दिखे। पहले जैसे दिखने का क्या अर्थ है? आकृति तीन के चित्रों को देखिए। आकृति तीन एक को बड़ा करने के प्रयास में तीन दो और तीन तीन प्राप्त हुए हैं। इन दोनों में से कौन सी तस्वीर चुनेंगे? जाहिर सी बात है कि पहली। इसमें पहली तस्वीर इस तरह बड़ी की गई है जिससे उसकी आकृति मूल तस्वीर तीन एक के जैसी ही रहे। इसके लिए तस्वीर को निश्चित अनुपात में बड़ा किया गया है। हम यह कह सकते हैं कि आकृति तीन एक व तीन दो समरूप हैं। अब आकृति तीन तीन को देखिए। इस तस्वीर की चौड़ाई ऊंचाई के अनुपात में मूल तस्वीर की चौड़ाई से अधिक प्रतीत हो रही है। यह मूल तस्वीर से अलग दिखाई पड़ रही है, अतः आकृति तीन एक व आकृति तीन तीन समरूप नहीं है। इसलिए स्केलिंग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि आकार बड़ा या छोटा करें तो उसकी आकृति में कोई परिवर्तन न हो और समरूपता का गुण बरकरार रहे। स्केल गुणक, स्केल फैक्टर। दो समरूप आकृतियों के माप में विशेष अनुपात होता है, जिसे स्केल गुणक या स्केल फैक्टर कहते हैं। स्केल गुणक का उपयोग करके किसी आकृति को आवश्यकता अनुसार निश्चित अनुपात में बड़ा या छोटा किया जा सकता है। जैसे 5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 10 सेंटीमीटर करने के लिए स्केल गुणक 2 होगा, क्योंकि 5 × 2 = 10। इसी तरह 50 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर के नक्शे को 10 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर तक स्केल करने के लिए स्केल गुणक 1/5 या 0.2 होगा। 50 × 1/5 = 10 सेंटीमीटर, 20 × 1/5 = 4 सेंटीमीटर। यानी स्केलिंग करने पर रेखाखंड 2 गुना बड़ा हो जाएगा और नक्शा 1/5 या 0.2 गुना छोटा हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि जिस अनुपात में नक्शे की एक भुजा कम हुई है, उसी अनुपात में उसकी दूसरी भुजा भी कम हुई है। स्केल गुणक यदि 1 से अधिक है तो नई आकृति बड़ी होगी, और यदि स्केल गुणक 1 से कम है तो नई आकृति छोटी होगी। अब आकृति 4 को देखिए।
रेखाखंड AB को बड़ा करने पर रेखाखंड PQ और छोटा करने पर रेखाखंड RS मिलता है। माना स्केल गुणक X है। एक बढ़ाना, डायलेशन या एनलार्जमेंट। PQ बराबर X गुणित AB, चूंकि X स्केल गुणक है इसलिए PQ बटे AB बराबर X। क्योंकि PQ बड़ा है AB से इसलिए X बड़ा होगा 1 से, अतः आकृति को बड़ा करने के लिए स्केल गुणक 1 से बड़ा होना चाहिए। घटाना, RS बराबर X गुणित AB, चूंकि X स्केल गुणक है इसलिए RS बटे AB बराबर X। क्योंकि RS छोटा है AB से इसलिए यहां X छोटा होगा 1 से। स्पष्टतः आकृति को छोटा करने के लिए स्केल गुणक 1 से छोटा होना चाहिए। करके देखें, 12 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 36 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड बनाने के लिए स्केल गुणक क्या होगा। इसी तरह 12 सेंटीमीटर के रेखाखंड की लंबाई को 6 सेंटीमीटर करना हो तो स्केल गुणक क्या होना चाहिए। नक्शा और पैमाना, गांव, जिला, राज्य और राष्ट्र के नक्शों को बनाते समय एक बड़े क्षेत्र को कागज पर दिखाना होता है। इसमें अलग अलग माप के पैमाने लिए जाते हैं। यदि छत्तीसगढ़ के नक्शे में पैमाना 1 सेंटीमीटर अनुपात 50 लाख सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर अनुपात 50 किलोमीटर लिखा है तो इससे क्या अर्थ निकालेंगे। रोहित कहता है कि 1 सेंटीमीटर अनुपात 50 किलोमीटर का मतलब नक्शे पर 1 सेंटीमीटर वास्तव में 50 किलोमीटर को दर्शाता है, अतः 2 सेंटीमीटर 50 × 2 यानी 100 किलोमीटर को तथा 4 सेंटीमीटर 50 × 4 यानी 200 किलोमीटर को दर्शाएगा। क्या आपको रोहित की बात ठीक लगी? यहाँ स्केल गुणक कितना है, दोस्तों से चर्चा करें, सोचें एवं चर्चा करें। पहला, आप अपने गांव का नक्शा बनाने के लिए क्या पैमाना लेना चाहेंगे और क्यों। दूसरा, एक आपको अपनी किताब में बने भारत के नक्शे जो 20 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर है को दीवार जो 3 × 2 मीटर की है उस पर बनाना है। क्या आप स्केल गुणक 1 मीटर = 12 सेंटीमीटर लेकर यह बना सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? स्केल गुणक अधिकतम कितना लिया जाए ताकि नक्शा 6 × 4 मीटर दीवार पर बनाया जा सके। तीसरा, अपनी तहसील व जिले के नक्शों को बनाने में आप कौन सा स्केल लेंगे और क्यों।